मैं भी ऑनलाइन हूँ, तू भी ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन, सब्सक्राइब कर जरा तू, सब्सक्राइब कर ले फ्री में तू। सारे काम सोशल साइट पे थोड़ी होंगे, क्योंकि हर हर अलग अलग आदमी का अलग अलग तबके का आदमी है, और हर आदमी ये व्हाट्सएप वगैरह नेट वगैरह चलाना जानता नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी खाएगा या नेट चलाएगा। अब आप जनता के बीच में जा भी रहे हो और कुछ भला भी नहीं कर रहे हो, ना कोई सफाई ना कुछ वगैरह, सिर्फ लेके बैठे हो, तो इससे कोई मज़ा नहीं आता, दूरियाँ बढ़ जाती है। आजकल की पीढ़ी जागरूक हो रही है, पहले से ज़्यादा वोट दिए जा रहे हैं, सभी का ध्यान दिया जा रहा है, बस युवाओं में कि जागरूकता ज़्यादा है। आज हमने सवाल पूछा था कि क्या सिर्फ सोशल साइट से चुनाव जीते जा सकते हैं, और आप हमारी सोशल साइट्स पर इसका जवाब दे सकते हैं, facebook.com पर भी और ट्विटर पर भी, और हमारी जो firstindianews.com है उस पर भी आप दे सकते हैं, और फ़ोन करके भी सीधा बता सकते हैं कि क्या सोशल साइट से चुनाव जीते जा सकते हैं, इस पर आपकी राय क्या है। बिरला जी, अभी सुनील जी कह रहे थे कि ज़्यादा फेक साइट्स आपने बना रखी हैं, बहुत सारी बना रखी, गिनती नहीं हो सकती, और आप एक ज़बरदस्ती का झूठा ऑरा बना रहे हैं, तो जो पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी थी उसे इस तरह का आडंबर ओढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? सुनील जी, इस देश के लोकतंत्र प्रजातंत्र में कभी भी फेक साइट बना से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, और न होरा बनाने की आवश्यकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विकास के मॉडल पर, और एक स्टेट को उन्होंने विकास का मॉडल बनाया, उसके आधार पर देश की जनता का विश्वास जीता है। सोशल साइट भी एक एस्पेक्ट है इस देश का, जिस पर तर्क वितर्क होता है, अच्छी बात है, लेकिन फेक आईडी बनाना, फेक प्रशंसक बनाना, इसकी भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज़मीनी धरातल पर भी नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जाते हैं, आपने ज़मीन देखी होगी, शायद देश के अंदर कोई नेता होगा जिसके की सड़कों के चित्र हैं इनके गुजरात के अंदर, शंघाई की सड़कों के चित्र हैं, शंघाई की सड़कों के चित्र हैं, ये वेल प्रूव्ड है, शंघाई के सड़कों के चित्र हैं, मलेशिया के चित्र हैं, कुआलालंपुर के चित्र हैं, अहमदाबाद के नाम से दिख रही है, अहमदाबाद के नाम से बेहतरीन बन रहा है, सुनील जाकर देखो कभी, देखिए मेरी बात सुनो, मैं अहमदाबाद रेगुलरली जा रहा हूं, सही रहो सकता है ये जो आरोप है सुनील शर्मा जी का, वो बिरला जी और नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा आप पर है कि आप ये सारा गड़बड़ झाला कर रहे हैं। इसलिए मैं इसमें ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे ऑफिशियल जितने भी पेज हैं, अकाउंट्स हैं या वेबसाइट हैं, कितने हैं? बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है, आप एक भी हमें बता दीजिए। नरेंद्र मोदी का चित्र देखिए, अभी एक आया, ओ बाबा नरेंद्र मोदी का जो टेलीविजन पर देख रहे हैं, और इंटरेस्टिंग बात है, ये बाद में पता लगा कि वो चित्र किसी और का, देखो वो कुछ और देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे हैं, बहुत शानदार बात है, पूरे देश पर धमाल का किया हुआ है, झाड़ू के फोटो पता लग गया, झाड़ू वाला फोटो टेम्पर्ड है, मॉर्फ्ड है, वीडियो मॉर्फ्ड है, इनके इनके 90% वीडियो मॉर्फ्ड है। बिल्कुल गलत बात है, फैन फॉलोइंग नरेंद्र मोदी का भाषण इतनी, आप तो इसलिए बता दीजिए कि वो जो भाषण वाला जो चित्र है, मेरी बात सुनिए, व्हाइट हाउस के अंदर ऋषि जवाब दे रहे बिरला जी, ऋषि को, हाँ ऋषि को जवाब, ऋषि को जवाब दे रहे आजकल मोदी साहब की फैन फॉलोइंग इतनी है, जो लोग पार्टी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते लेकिन वो उसमें टेक्निकली कैपेबल है, तो उन्होंने अपने आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं मोदी जी के लिए, और वो लोग शेयर करते हैं। हम बात कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हमने फेक बना रखा है, हमारे ऑफिशियल जितनी भी चीजें चल रही हैं उस पे आपको एक भी चीज फेक नहीं मिलेगी। मतलब वो पिक्चर मॉफ थी जिसका जिक्र सुनील जी कर रहे हैं, मोदी जी की जिस पिक्चर का ये बात कर रहे हैं, वो मॉफ ठीक नहीं, नहीं वो भी बाद में सीआर पाटिल जी का उसमें नाम आया था, सीआर पाटिल जी ने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति ने उनके पास भेजी थी और उन्होंने उसकी जांच मतलब वो मॉफ है ना, बिना हाँ वो है, वो माफ है, ठीक है बिरला जी, ऋषि जी भी कह रहे हैं कि माफ है, लेकिन वो बात
आपको क्या करना चाहिए था ऋषि जी, आपको क्या करना चाहिए था कि आपको तुरंत उस पर क्लैरिफाई करना चाहिए था कि भाई ये फोटो गलत है ना। जब पूरा हंगामा हो गया तब नवसारी का जो नवसारी के एमपी है, सीआर पार्टी फोटो अपलोड नहीं किया गया जिसमें इस तरीके की स्टारिंग की गई। आपने फेक लाइक्स तो कराए, फेक लाइक्स तो किए, फेक फोटो क्या अपलोड करोगे आप? तो फेक फेक फोटोज को डाल के लोगों को बरगलाना चाहते हो। मेरे पास ये डालना चाहते हो कि ओबामा इनका भाई होता है? हां सुनिए भाई, वो तो सच है, वो तो सच है। ओबामा देखते हैं, अब तो इन्होंने मान लिया है। अब वक्त का इंतजार करो, अमेरिकन अमेरिकन एंबेसडर फोटो का इंतजार करो। ओबामा जी नहीं दे रहे, आप ही के लोग मान रहे हैं के प्रधानमंत्री के बनने के बाद। अब तो ऋषि जी ने मान लिया इस बात को, मान रहे हैं आप लोग, मान रहे हैं कि फोटो मुफ्त थी, उसके बावजूद आप करेंगे ओबामा हमारे बाजू नहीं का? डॉक्टर साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में आपकी पार्टी को जितना मौका मिला सोशल साइट्स और वो सारे माध्यम से, वो देश भर में वो मौका नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है ना कि केवल सोशल साइट्स के भरोसे तो चुनाव नहीं लड़े जा सकते, और आपका संगठन नहीं है कहीं पर, तो बड़ी मुश्किल आएगी अभी लोकसभा चुनाव लड़ने में। देखिए ये आप सोच रहे हैं कि जैसे अचानक मुख्यमंत्री बन गए वैसे प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि देश के अंदर 330 जिलों में हमारा संगठन है पिछले एक साल से, एक साल पहले बन गया था, उसके बाद में एक्सपांड हो गया, तो ये गलत है कि हमारा संगठन नहीं है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के बारे में जैसे आपने बात करी, एक सर्वे आया था आपने पढ़ा होगा हिंदू में कि करीबन 160 से 180 ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर सोशल मीडिया का इंपैक्ट होगा इन चुनावों के अंदर ही, आने वाले चुनाव में भी। तो आप अभी भी उन्हीं के भरोसे ही चलेंगे चुनाव में? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस क्या है। और सोशल मीडिया का वो जो सर्वे था उसमें ये बताया गया था कि सोशल मीडिया से वोटर्स कितने इन्फ्लुएंस होंगे। हमारे लिए जरूरी वोटर्स इन्फ्लुएंस करना नहीं है, वो तो हम डोर डोर काम से और हमारे आंदोलनों से कर रहे हैं, हमारी सिद्धांतों से, हमारी विचारधारा से कर रहे हैं। जरूरी है हमारे वॉलंटियर्स जोड़ना, और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से इस पार्टी ने लाखों वॉलंटियर्स तैयार कर दिए बिना किसी तरह से खर्चा किए। राजस्थान के अंदर हमारी पार्टी चल रही है, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पार्टी का राजस्थान में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पास में सोशल मीडिया नहीं, ओवरऑल एम्प्लॉय नहीं है, जितने कार्यकर्ता है वो सारे अनपेड है, केवल वॉलंटरी काम करते हैं। तो सोशल मीडिया पैसा देने के लिए हमारे पास में ही नहीं। सुनील जी, आपको नहीं लगता कि कहीं पार्टी को स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत है? आप जैसे लोग हैं जो इंटेलेक्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले लोग हैं, तो अब आपको लगता है कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है स्ट्रेटेजी वाइज भी? आज मैं कांग्रेस की रैली देख रहा था, कितने लोग थे गिन सकते थे, यदि मैं 5-7 मिनट खड़ा होता तो गिन ही रहते पूरे के पूरे लोग। नहीं देखिए बात एक है कि इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, मेरी बात सुनिए, जहां तक आप ये बात कह रहे हैं नहीं चाहते इतनी बुरी स्थिति आपकी, मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा आपको प्रसन्न होने की जरूरत नहीं। अहमन्यता मत लाइए, इतना घमंड मत लाइए, घमंडी का सर नीचा होता है। देखिए घमंडी का तो रावण का भी सर नीचा हुआ है, सोने की लंका जिनकी थी, इसलिए ओम अहंकार और लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं। बल्कि आप में आपको ये जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, उसी कारण आप में विनम्रता आनी चाहिए, आप विनम्रता लाइए, उसमें अहमन्यता मत लाइए। रही बात स्ट्रेटेजी की, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग लगातार इसको रिव्यू करते रहते हैं और इस बारे में हम लोग पुनरीक्षण भी करते रहते हैं। और देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सर्वाइवल द फिटेस्ट की बात है, कि जो लोग अपने आप को लगातार एकोमोडेट करेंगे, अडेप्शन लाएंगे, अनुकूलन करेंगे नई परिस्थितियों के अनुसार, वही लोग सर्वाइव करेंगे, और उसके लिए हम लगातार करें। पर इसके बावजूद भी मैंने आपको एक छोटा सा निवेदन किया, हम गांधी की पार्टी हैं, हम अपनी सौम्यता शालीनता उस शालीनता से बिल्कुल गांधी को लेकर कब तक चलोगे आप, ये तो बताओ। मेरी बात, महात्मा गांधी जी ने कब तक कहे थे कांग्रेस को खत्म कर दो? तो मेरी बात सुनिए, आपकी समस्या, आप अपनी समस्या सोचिए, आप जो हमारे अध्यक्ष मेरी बात बिरला जी उनकी बात कर रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं आपको, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बिरला जी, मेरी बात सुनिए, लेकिन बिरला जी अब आपकी आपकी तरह आपकी तरह आपकी तरह उधार के नेता तो नहीं ले जा रहे बिरला जी, लेकिन नेताओं के नाम पे कोशिश कर रहे हैं आप, तो हमारे नाम हमारे सरदार वल्लभ बिरला जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष रहे, जो लगातार इस बात के लिए उनके संकल्पित थे कि संघ पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिस संघ का प्रतिनिधि है वल्लभ भाई पटेल का बिल्कुल ओपन स्टेटमेंट है कि भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जिस व्यक्ति का पूरा एक अकीदा था कि भारतीय आरएसएस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, आज आपकी परिस्थिति आई है कि आप वल्लभ भाई पटेल की सोच थी, वल्लभ भाई पटेल की सोच थी, जिस यूनिटी के लीडर थे, आप उनका पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट, आप वल्लभ भाई पटेल का पार्लियामेंट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आप पार्लियामेंट का स्टेटमेंट पढ़िए। चलिए सुनील जी, आप समझिए उग्र राष्ट्रवाद, जिन भी लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद को किया है उन देशों का नुकसान किया है, चाहे आप मुसोलिनी की बात करें,
चाहे आप हिटलर की बात करें, चाहे आप तोजो की बात करें, चलिए उग्रवाद की बात करें, आप उग्रवाद की बात बिरला जी, चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब की एक बात सुन लें, बिरला जी एक बात सुन लें जी, मेरे को ब्रेक पर जाना जी। गांधी टोपी का इसलिए हमने ले ली, पटेल को आप भूल गए तो उन्होंने ले लिया, अब आप थोड़ा ध्यान रखिए जो अपनी पुरानी आपकी। नहीं नहीं, वो टोपी की चिंता नहीं, आजकल टोपी पहनाने का मौसम है तो वो टोपी पहनाने में लगे हुए छोड़ दिया। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी, कि क्या सोशल साइट्स का असर होता है और क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है पूरी स्ट्रेटजी में बदलाव कर रही है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारा खास पैनल बना हुआ है, आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारी सोशल साइट्स पर अपनी राय तुरंत भेजिए। तुरंत लौट कर आते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमने सवाल पूछा था कि क्या सिर्फ सोशल साइट से चुनाव जीते जा सकते हैं, जिसका राय जो है हमें जनता की लगातार मिल रही थी। देखते हैं कि लोगों का कहना, 46% लोगों का मानना है कि हाँ सोशल साइट से चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों की राय यानी 54% लोग मानते हैं कि नहीं, सोशल साइट से चुनाव नहीं जीते जा सकते। मतलब अभी भी उन्हें लगता है कि जनता के बीच में नेताओं को आना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। बिरला जी, आप फिर वही बात हो गई कि जनता के बीच में जाने वाली पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आजकल ट्वीट पार्टी हो गई है। सुषमा स्वराज जी ट्वीट करती हैं, अरुण जेटली ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, अडवाणी जी ट्वीट नहीं कर पाते तो ब्लॉग लिख देते हैं। आपसे पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं जयपुर से, एम हसन साहब। हसन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ विजय जी जी, कि सोशल मीडिया का सबसे पॉजिटिव यूज किया है आप पार्टी ने जी, क्योंकि ये सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ये परेशान है करप्शन से जी, और ये अर्बन बेस्ड हैं, इसलिए अर्बन एरियाज में इनका इम्पैक्ट रहेगा। और कोई ताजुब की बात नहीं कि 50 से 70 80 तक इनकी सीट आ भी सकती है जी, और बाकी जगह खेल बिगाड़ेंगे। राजवाल बीजेपी का तो वही, जैसे ये एडल्ट्रेटेड फूड बेचते हैं ना जी, वैसे ही पॉलिटिकल फिलोसफी को भी बेच रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू जी। पर ये पैकेज चूंकि इग्नोरेंट इंडिया है, इसलिए ये इस पैकेज बैड फूड को ले भी सकते हैं जी, पर इनका आपने खेल खराब किया है। राष्ट्र और कांग्रेस का तो ये तो करप्शन में इतने डूबे रहे हैं ये, कि न तो इनको सोशल मीडिया का ध्यान रहा और न उनको जो है स्वराज का ध्यान रहा। तो इसलिए मैं जहां तक समझता हूँ कि आपने इम्पैक्ट जो किया है वो सोशल मीडिया का ही यूज किया गया है, एंड दैट इज द पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। शुक्रिया सर। बिरला जी, हसन साहब कह रहे हैं कि एडल्ट्रेट पॉलिटिक्स पैकेज जो है बेच रहे हैं। हसन साहब ने जो कहा है कि हम हमारी राजनीतिक विचारधारा कभी भी एडल्ट्रेट नहीं रही, हमारी विचारधारा स्पष्ट रही और इसी कारण से देश के अंदर तो आज भी कहां से कहां पहुंच गया था। आज भी देश के 92 से 2014 में बहुत सारा बदल गया, हालांकि वो बदलना अच्छा है, पॉजिटिव है। विजय जी, कांग्रेस का विभाजन हुआ, कई पार्टियों का विभाजन हुआ केंद्र के स्तर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी 1980 से बनी
80 से लेकर अभी तक केंद्रीय स्तर पर विभाजन नहीं हुआ। लेकिन सर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ पूरी बिड़ला जी, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में बिड़ला जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे कि मैं ऋषि से पहले ऋषि के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे पूछूंगा पार्टी को बांटने से तो पार्टी बांटना तो बेहतर है देश बांटने से, ठीक है। हमने लेकिन ऋषि पहले आपसे देश बांटा विजय ऋषि आपसे पूछना क्योंकि आपके लिए ये जिम्मेदारी है। जिन हसन साहब का जो राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ते आज भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हसन साहब का जो सवाल था वो आपसे जुड़ा हुआ था कि क्या आप और कल भी हमारी कर रहे हैं पार्टी की और आज विचारधारा हमारी यही है। कि आप हमारी ऑफिशियल जितने भी पेजेस हैं साइट्स हैं उनको आप विजिट करेंगे तो आपको उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कैसे पता पड़ेगा कि आपकी ऑफिशियल साइट है कि ऑफिशियल ऑफिशियल इनके ज्यादा है और ऑफिशियली ज्यादा है भाई। नहीं नहीं ये हम नहीं कह रहे, आप कोई दूसरे लोग भी जो पैसा लगाया जाता है जो कंपनी लगाई जाती है वो कंपनी काम करती है, ऑफिशियल को सिक्योर रखने वाला चीज है। ऑफिशियल अकाउंट दो तीन होते हैं आपके, आप साफ रख लीजिए और पैसा बांट करके कंपनी से आप काम कराते रहिए। होगा लोकेश जी आपको लगता है कि पार्टी पार्टी की स्ट्रेटजी में बदलाव की जरूरत है खासतौर से सोशल से? बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जी, आपकी बात से मैं पूरे तरीके से सहमत हूं कि एक स्ट्रेटजी पूरे तरीके से बनानी होगी कि सोशल मीडिया का सकारात्मक रूप से जिस तरीके से एग्रेसिव होने की जरूरत है, होने की आवश्यकता है। गांधीवादी रफ्तार गांधीवादी के साथ साथ हमें जो आज का यूथ है उसके साथ डायरेक्टली महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक में बदलाव आया है ना विचार और सिद्धांत तो महात्मा गांधी जी के ही रहने वाले हैं। ये पार्टी वही राहुल जी के पास कुछ नहीं है क्या? उन्हीं उन्हीं सिद्धांतों पर चलने वाली है। लेकिन उसके जोर जो महात्मा गांधी के युवा वर्ग युवा शक्ति जो है उसको साथ लेने की आवश्यकता है, युवा शक्ति तक अपनी बात पहुंचाने की और उसको विश्वास में लेने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने पिछले 65 वर्ष में जो इस देश को दिया है, आज का जो वर्तमान भारत जो दिखाई दे रहा है, जो आधुनिक भारत उनको दिखाई दे रहा है, वो कांग्रेस ने भारत दिया आपने। आज के युवा को जो 18 वर्ष का युवा है उसको अधिकार दिया आपने, उसको दिया है अधिकार लोगों ने रिजेक्ट किया आपने। कांग्रेस शहीदों ने कौन से भारत की कल्पना की थी आपने? कौन सा भारत दिया जी? सोशल मीडिया शहीदों ने इस भारत की कल्पना नहीं की थी जो आपने दिया है? सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसमें जनता जिस तरीके अपनी बातों से भारत की कल्पना की है। आज के वर्तमान भारत का जो रूप आपके सामने प्रस्तुत किया है ये विकसित और विकासशील देश है। सोशल मीडिया एक माध्यम है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की, जनता अपनी बात औरों तक पहुंचाती है और इसका उपयोग हमारी पार्टी के लिए केवल जनता करती है। हमारी पार्टी आम जनता से बनी है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि हमारी पार्टी ने आज तक सोशल मीडिया पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। नहीं। आज दोनों आईटीएट पूछ बैठे यहां पे, आप ये बता सकते हैं कि कितना पैसा खर्चा हुआ? इशू वो नहीं, मेरी जानकारी में करोड़ खर्चा हुआ। सुनील जी आपको लगता है कि क्या इलेक्शन में आपको एग्रेसिव स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत लगती है? बात एक है, स्ट्रेटजी की जहां तक बदलाव की बात है तो स्ट्रेटजी के लिए मैंने वो पहले भी निवेदन किया कि हम लोग लगातार इन चीजों को रिव्यू हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे भी हम रिव्यू करते रहेंगे कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेनेट्रेट करें लोगों तक। बिड़ला जी आखिरी बार हम शालीनता नहीं छोड़ने वाले, हम मॉर्फ वीडियोस का सहारा लेने वाले नहीं है। हम किसी की तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? हम फेक चीजों के थ्रू अपने मार्केट नहीं करना चाहते। देखिए सुनील जी बार-बार शालीनता काम अच्छा करते हैं, आप मार्केटिंग अच्छा करते हैं, जनता ने आपको काम अच्छा करते हैं, आप मार्केटिंग अच्छा करते हैं, जनता ने आपको निकाल दिया, इसलिए ये काम कर रहे हो आप। चलिए हम पहले आपका एडवर्टाइजमेंट पहले देश के अंदर पहली बार ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरे दुनिया को पता है सरकार ने और आपकी राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से विज्ञापनों पर करोड़ रुपया राजस्थान की और देश की जनता का खर्च किया है, यही कारण है कि आज पूरे का पूरा एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को विफल करते हुए जनता ने धरातल के आधार पर बिड़ला जी बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई काम नहीं किया हमने, देखिए समाज को 400 करोड़ रुपया हमने राजस्थान की समाज को लगा लगा सुनील जी पूरे देश को क्यों लगा लगा चलिए सुनील जी वक्त मेरे पास नहीं है बिड़ला जी मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि बिग फाइट के इस बहस में आपने हिस्सा लिया और मेरा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाया, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिग फाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ नए मुद्दों के साथ। तब तक खुश रखिए, खुश रहिए और चलते चलते वेब का एक और नमूना।